क्यों क्या रहा बेड़ू आ गए सब लोग चलो अपनी अपनी सीट लेके बैठ जाओ अभी क्या है यहाँ पे अपन की स्टोरी शुरू होने वाली है क्या समझ गया क्या इस इनसाइड स्टोरी में अपन की स्टोरी आने वाली है भाई तो बैठ जाओ मेरे इस अभिनय से आप लोग समझ तो गए होंगे कि मेरा प्रोफेशन क्या है हाँ दोस्तों आप सही समझे मैं हूँ निकुंज दवे पिछले 25 सालों से मैं इस फील्ड से जुड़ा हुआ हूँ मेरी आज की एज 39 है और मैं जब 14 इयर्स का था तब पहली बार स्कूल में आधुनिक कृष्ण का रोल किया था और उससे मुझे इतनी एप्रिसिएशन मिली कि उसकी वजह से मैं इस फिल्म में आ गया धीरे धीरे कई नाटक किए कई कंपटीशन जीती गुजरात राज्य युवा महोत्सव में मैंने 3 बार स्टेट लेवल में फर्स्ट आया हूँ तो इसी वजह से मुझे इसमें इंटरेस्ट में बढ़ने लगा धीरे 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 कई दोस्त बनते गए और इस दोस्तों के साथ मेरा नेटवर्क बढ़ता गया 2006 में लास्ट में बरेली गया था ड्रामा के लिए ज़्यादातर ड्रामा में काम किया था मैंने और ड्रामा के मेरे गुरु थे योगेश भाई मेहत उन्होंने मुझे ड्रामा में फिल्मों में बहुत प्रमोट किया इसीलिए मैं उनको द्रोणाचार्य बोलता हूँ लेकिन 2006 में मेरे फादर रिटायर हो चुके थे और मुझे कर की जिम्मेदारी मेरे कंधों पे आ गई तो 2006 से 2014 तक कुछ नहीं किया सिर्फ घर घर से संभाली बाद में मेरी शादी जिनसे हुई थी मेरी बेटर हाफ उसके इंस्पिरेशन से उसके साथ से मैंने 2011-12 में एक दो बार कंपटीशन में पार्ट लिया था जिसमें नयन भाई भट्ट करके हमारे राजकोट में है जो हमारे ज़्यादातर कंपटीशन में जज होते थे उनकी मदद से मैंने थोड़े आगे बढ़ने की कोशिश की 2014 में सर मैं पब्लिकेशन में जॉब करता था तो मैं स्कूलों में अपना ये कीड़ा कहाँ निकालने जाऊँ जो एक्टिंग का कीड़ा होता है वो निकलता नहीं तो मैं सोच रहा था कि मैं ये अपना एक्टिंग का कीड़ा कहाँ निकालने जाऊँ और मैंने ये एक्टिंग का कीड़ा स्कूलों में निकालना शुरू किया वहीं पे मुझे मेरा एक दोस्त जो मुझे ले गया मेरी सपनों की दुनिया की तरफ वो दोस्त है गौतम दवे और वो मेरी सपना की दुनिया के पहले इंसान मेरे गुरु निर्लोक भाई परमा जिन्होंने मुझे फील करवाया कि मैं अच्छा एक्टर ही नहीं मैं अच्छा डायरेक्टर भी हूँ उनके साथ मैंने 2-3 ड्रामों में काम किया था और उन्होंने ही मुझे रियलाइज़ कराया कि तुम अच्छे डायरेक्टर भी बन सकते हो तो वहीं से मैंने अपनी डायरेक्शन की जर्नी भी शुरू की मैंने अपने डायरेक्शन में आज तक 7-8 ड्रामास कर लिए हैं मेरे अभी अपना प्रोडक्शन वो भी सर के और हमारे एक गौतम जोशी है उसकी मदद से अपना खुद का प्रोडक्शन हाउस शुरू कर दिया है और अपने खुद के प्रोडक्शन हाउस में मैंने एक ड्रामा बनाया है जिसके 2 शो हो चुके हैं गुजराती ड्रामा है लग्न बनती तो दोस्तों ये तो थी मेरी जर्नी की बात इस जर्नी के दौरान मुझे कई अडल्स आए ऐसा नहीं है कि जो मैंने जिस फ्लो से ये बात कही डाली उसी फ्लो से मैंने सब कुछ ख़त्म हो गया कई अडल्स कई तकलीफें आई मैं आगे बढ़ता गया कई लोग हैं जो तुम आगे बढ़ रहे हो तो खींचते हैं तोड़ते हैं कई सपोर्ट करते हैं उनके सपोर्ट से मैं आगे बढ़ता गया और दोस्तों मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ सपने देखो देखने में कोई बुराई नहीं है लेकिन जो भी सपने देखो ना उसे पूरा भी करो दोस्तों मैंने कृषि दर्शन में दूरदर्शन में काम किया है हमारे सर के साथ वहाँ पे मुझे शुभम ले गया था उसके अलावा मैंने ड्रामा किया था शाहुदान वो एक ड्रामा ऐसा है जिसमें मैंने 2 ही बार काम किया है और 5 बार उस ड्रामा का मैंने डायरेक्शन किया दोस्तों ये जो फील्ड है ना वो अलग ही है आज आप इस फील्ड में जहाँ पे एक छोटा सा रोल कर रहे हैं जो ड्रामा सेक्टर है उसकी बात कर रहा हूँ कि एक ही ड्रामा में मैंने एक छोटा सा रोल किया है और उसी ड्रामा में मैंने लीड रोल भी किया मैंने पथारी फरी गई गुजराती ड्रामा है लग्न बंदी ड्रामा है विलोपन देसाई का ड्रामा जहाँ पे मुझे
बहुत ही बड़ा रिस्पॉन्स मिला है। मेरा पहला डायरेक्शन किया हुआ ड्रामा मशाल, लोग बोलते थे कि ये ड्रामा कुछ नहीं कर पाएगा, वो ड्रामा इतना अप्रिशिएट हुआ उसी ड्रामा को कि उसका सेकंड नंबर आया और उसके डायरेक्टर को यहाँ के भीष्म पितामह कहे जाने वाले भरत भाई याग्निक ने बोला कि इसका डायरेक्टर कहाँ। उसके बाद विलोपन देसाई की प्रीत प्रेत और पागल, जहाँ पे मुझे नट्टू काका तारक मेहता का उल्टा चश्मा वो उस प्रोग्राम में आए थे और उसी ड्रामा को प्रीत प्रेत पागल को फर्स्ट नंबर दिया गया। तो मैंने अपनी इस छोटी उम्र में कुछ भी नहीं किया है, मुझे बहुत कुछ करना है। आप सबका साथ सहकार चाहिए। जमाने में कहा जाता है कि कुछ भी नामुमकिन नहीं है, नथिंग इज इम्पॉसिबल बट इट इज आई एम पॉसिबल। कौन कहता है आसमान में सुराग नहीं हो सकता, कौन कहता है आसमान में सुराग नहीं होता। मेरे दोस्त एक तबीयत से पत्थर उछाल के तो देख। ये थी मेरी स्टोरी, आपकी स्टोरी क्या है? हर एक आदमी की हर एक की स्टोरी होती है, वैसे आपकी भी होगी। आपको इंटरेस्ट पड़ा है, आपको लगता है कि मुझे भी कुछ कहना है, तो हमारी इनसाइड स्टोरी पे आइए। यहाँ पे लिंक पे आप जाएंगे, इनसाइड स्टोरी की लिंक पे नीचे सब कुछ अच्छी तरह से हमारी सारी इंफॉर्मेशन शेयर की हुई है। आप आइए, शेयर कीजिए अपनी भी स्टोरी, यहाँ पे आप आके कह सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।